वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर जिला अधिकारी राजेश कुमार सिंह, ACM पंकज दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने प्रत्येक बूथों पर VLO के द्वारा नामांकन पत्रावलियों के पुनरीक्षण के निर्देश दिए तथा 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश देते हुए महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां अभी से पूरी कर लें, जिससे चुनाव के दौरान कोई भी दिक्कत ना आने पाए। बताना आसान रहेगा कि सवाल किताबों में पूछा गया था और नहीं बता पाए थे हमारे कंसल्टेंट यारो, वो बता भी नहीं सकते थे। लेकिन इससे हमें ये सेंस को मिलता है कि हम इस जानकारी को रखें कि हम डिवीजन जो है इसी बात से हमने आपसे पत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट किया और जो भी वीडियो साहबों से देख लीजिए एक बार, उनका बताते भी हो जाएंगे कि इसकी आपस में बातचीत हुआ है मिशन में और मानक से बहुत कम है। अब हमारे कौन से ऐसे सूत्र है जहाँ पर 18-19 में आपका फीमेल एडिशन जीरो रहा है या मेल एडिशन बहुत कम रहा है और फोकस करते हैं हमारे जो मतदाता है उन्हें बना सकते हैं। ये शीट भी कर हम आपसे अभी मेल पर शेयर करेंगे, आप बूथ पर एड्रेस कर दीजिए। पर्पज ये है कि आपके पास वो डेटा उपलब्ध हो कि आपको किस बूथ पे फोकस करना है और किस सेगमेंट पे फोकस करना है। अगर आप उनको बात करेंगे या चलिए हम करते हैं ऊपर जो हमारे इसके बाद जनपद लेवल पे कृपया जितने हमारे डिप्टी कलेक्टर है उनमें से गुजरता जिनको आरो ना हो तो जो भी डिप्टी कलेक्टर है उनका भी ये सूचना आप उनको दे दीजिए कि इनमें से कितने लोग अभी ट्रेनिंग के लिए रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो अभी हुआ है कि जनपदों में ये प्रोग्राम आरोप के लिए था आरोप ट्रेनिंग बोर्ड था, परंतु कमीशन पे ये मंशा है कि हमारे जितने अधिकारी हैं डिप्टी कलेक्टर हम उन सबको ट्रेन करें। इस तरह से चर्चा हो चुकी है उसको जरूर रख लें, साथ ही साथ जो सामने बताया था कि जवाब में और ताकि हम भी आपकी भावनाओं को अवगत करते हुए कमीशन को जरूर अवगत करा दें। एक्जिस्टिंग गाइडलाइन है